जय भगवान राधे कृष्णा। दोस्तों स्वागत है आपका द कल्ट ऑफ रेसलिंग में। प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए द कल्ट ऑफ रेसलिंग को फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE एंड रोड टू रेसलमेनिया हैड जस्ट बिगिंस। अब दोस्तों देखिए, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं कोडी रोड्स, डस्टिन रोड्स एंड मार्क हेनरी को लेकर। बिकॉज आज की अपडेट इसी बारे में, बिकॉज मार्क हेनरी ने अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में इस चीज को बताया है कि रसलमेनिया 40 के अंदर यहां पर डस्टिन रोड्स यानी कि गोल्ड डस्ट, जिसको डब्ल्यू कंपनी में हम एज अ गोल्ड डस्ट जानते थे यानी कि कोडी रोड्स के भाई, वो यहां पर अपना रिटर्न कर सकते हैं डब्ल्यू कंपनी के अंदर। बिकॉज मैं आपको एक लेटेस्ट चीज बताऊं, मार्क हेनरी ने ये चीज रिवील करी है कि गोल्ड डस्ट यानी कि डस्टिन रोड्स का AEW कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बस कुछ ही समय का रह चुका है। लेकिन एक बात क्लियर है कि यहां पर डस्टिन रोड्स यानी कि गोल्ड डस्ट AEW कंपनी के साथ साइन नहीं करेंगे, यानी कि रीसाइन नहीं करेंगे। बिकॉज देखा जाए तो भाई साहब, उनके भाई कोडी रोड्स इस समय डब्ल्यू कंपनी के सबसे बड़े फेस हैं, और आप जानते हैं भाई साहब रेसलमेनिया में वो एक शॉकिंग शॉकर देने वाले हैं। और यही मार्क हेनरी ने लेटेस्ट पॉडकास्ट में बताया है कि डस्टिन रोड्स यहां पर अपने भाई कोडी रोड्स को सपोर्ट करने के लिए रेसलमेनिया 40 में आ सकते हैं। अब सारी ऑड्स यहां पर AEW कंपनी के ऊपर है, क्या AEW कंपनी डस्टिन रोड्स को जाने की परमिशन देगी। बिकॉज कल की वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताई कि बेली किस तरह से शाशा बैंक को AEW कंपनी में सपोर्ट करने गई थी, अपना मुंह ढक के गई थी। और आई थिंक कहीं ना कहीं अब इस बात को सोशल मीडिया पे उठाया जा रहा है कि शायद डब्ल्यू कंपनी परमिशन दे रही है कि अपने सुपरस्टार को, कि अगर आपको अपने किसी दोस्त को, भाई को, या जो दूसरी कंपनी में काम करता है जैसे कि AEW कंपनी, वहां पर सपोर्ट करने जाना है तो आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। लेकिन इसी बात को मार्क हेनरी ने उठाया है कि अगर बेली और ये सब मतलब सब लोग जा सकते हैं तो यहां पर AEW कंपनी से भी कुछ सुपरस्टार जो है डब्ल्यू कंपनी में आ सकते हैं। लास्ट ईयर ये बात हुई थी कि क्रिश्चियन केज है वो लास्ट ईयर जब रेसलमेनिया 39 थी, वो एज को सपोर्ट करने आ सकते हैं हेल इन अ सेल मैच में, लेकिन वो चीज़ें कहीं ना कहीं नहीं हुई। लेकिन फाइनली अब चीज़ें कहीं ना कहीं मार्क हेनरी ने उठाई है। अब देखिए, डब्ल्यू कंपनी ने तो बेली को भेज दिया था साशा बैंक को सपोर्ट करने के लिए, जिस तरह से बेली गई है उसको देखकर तो ये लग रहा है कि भाई साहब बेली को पूरा परमिशन के साथ भेजा गया है कि वो जाके साशा बैंक को सपोर्ट कर सकती है वहां पर जाके। लेकिन भाई साहब AEW कंपनी ये सब करती है कि नहीं, वो सारा टोनी खान पर डिपेंड करता है कि अगर टोनी खान चाहे तो भाई साहब वो डस्टिन रोड्स को फिर रेसलमेनिया 40 में अपने भाई कोडी रोड्स के साथ भेज सकता है कोडी रोड्स को सपोर्ट करने के लिए। अब चाहे वो फैंस के साथ बिठा दे स्टेडियम में, आप समझ सकते हैं कुछ भी हो सकता है। तो अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि यार डस्टिन रोड्स यानी कि गोल्ड डस्ट हमको डब्ल्यू कंपनी में नज़र आते हैं अपने भाई कोडी रोड को सपोर्ट करते हुए। लेकिन भाई साहब एक चीज़ कंफर्म है कि गोल्ड डस्ट यानी कि डस्टिन रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट जब भी AEW कंपनी के साथ एंड होगा, मतलब पूरी तरह से एंड हो जाएगा, तो फाइनली हमको गोल्ड डस्ट भी डब्ल्यू कंपनी में अपना रिटर्न करते देखने को मिलने वाले हैं। बिकॉज कोडी रोड्स उनके भाई हैं, और रोक ने इस मैडन के एपिसोड में लास्ट में उठाई भी थी बात कि तेरा भाई एक हॉल ऑफ फेमर है, एक फ्यूचर हॉल ऑफ फेमर है, और आप समझ सकते हैं कि बात ऐसे तो नहीं उठाई गई। सो ये बात तो क्लियर है कि गोल्ड डस्ट यानी कि डस्टिन रोड्स का डब्ल्यू कंपनी माना कन्फर्म है। और आई थिंक अब देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि AEW कंपनी क्या डस्टिन रोड्स को रेसलमेनिया में भेजती है कोडी रोड्स की विक्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, जो कि मेन इवेंट में रोमन इसको हराने के बाद वो लेंगे। देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। तो सी यू टुमारो गाइस, एंड तब तक के लिए जय भगवान राधे कृष्ण। अपना और अपने मामों का ध्यान रखिए दोस्तों। सी यू टुमारो गाइस।